जय श्री रामकृष्ण। आज आपको जवानी और बुढ़ापा नापने का पैमाना क्या है वो आज बता रहा हूँ, जो आप लोगों ने किसी ने सुने होंगे किसी ने न सुने होंगे, पर हो सकता है जिन्होंने न सुने हों उनके लिए एक नया प्रश्न है कि जवानी को कैसे नापें और बुढ़ापे को कैसे नापें। जी हाँ, मैं आपको सही यही बता रहा हूँ आज कि जवानी को कैसे नापा जाए और बुढ़ापे को कैसे नापा जाए। आपने देखा होगा काफ़ी जवान बुढ़ापे का आनंद लेते हैं और कुछ बूढ़े जवानी का आनंद लेते हैं। ये सब जानने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें और बेल आइकॉन घंटी दबाना ना भूलें, ताकि आपको मेरे नए अपडेट वीडियो मिलते रहे। मैं डॉक्टर रघुनाथ सिंह राणावत, साइकोलॉजिस्ट और डाइटिशियन, आज आपको बता रहा हूँ जवानी और बुढ़ापा नापने के पैमाने, और फिर उसके अंदर जो मेंटेनेंस है उसको कैसे रखा जाए, देखा जाए, उसके बारे में। आपने देखा होगा दो व्यक्ति एक ही साथ में कार का मॉडल खरीदते हैं, पर एक की गाड़ी जल्दी ख़राब हो जाती है और दूसरे की 15 साल 10 साल आराम से चलती है, और एक व्यक्ति जो प्रथम व्यक्ति है उसकी 5 साल में मेंटेनेंस आ जाता है और एक व्यक्ति 10 साल 15 साल आराम से चला लेता है। ठीक वैसे ही कुछ लोग जवानी के अंदर अपनी जवानी को लुटाते हैं जो खुद के ऊपर, और कुछ लोग जो अपनी जवानी को मेंटेन रखते हैं। कहने का मतलब ये कि जो व्यक्ति जवानी के अंदर हस्तमैथुन से अपनी ज़िंदगी ख़राब कर लेते हैं, और उसी प्रकार है जैसे नई गाड़ी को उबड़ खाबड़ रास्तों में ले जाया जाता है और कहाँ गियर बदलना न बदलना टॉप और टॉप जाना की स्थिति में वो गाड़ी ख़राब हो जाती है, एवरेज कम देती है। ठीक वैसे ही कुछ लोग हस्तमैथुन के आदि जो स्वयं केंद्रित होकर उस स्पीड में अपनी ये क्रिया दोहराने से वह निर्बल और कमज़ोर हो जाता है, और कुछ लोग जवानी के अंदर संयम से जीते हैं और संयम से जीने की वजह से उनकी आयु लंबी होती है और वो बुढ़ापे के अंदर जवान और अपने आप को तरोताज़ा समझते हैं। आज सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए तो गोपनीयता की दृष्टि से है ये सवाल कि आज जवान बहुत बुढ़ापे का आनंद ले रहे हैं, क्योंकि वो एक तो गलत संगत के कारणों से, जिसमें मैंने ये देखा है कि कुछ लोग जो बचपन के अंदर गलतियां करते हैं या उनके साथ में किसी लोगों ने गलतियां कर दी है, उसकी वजह से वह व्यक्ति आगे जाके नपुंसकता के दौड़ में शामिल हो जाता है, और उसमें फिर क्या बाधाएं आती है वो उस समय पता नहीं चलता जवानी के अंदर, वो बाद में पता चलता है शादी के बाद में। और अक्सर इस प्रकार की बीमारी वाले जितने भी लोग हैं, हस्तमैथुन हो या गोदामैथुन हो, उन सबको नपुंसकता 30 साल के उम्र के बाद में ये प्रकट होती है। इसलिए आपने देखा होगा कि जो व्यक्ति अपनी कार को गैराज में ले जाकर समय पे उसकी सर्विस कराता है वह गाड़ी अच्छी चलती है, और जो व्यक्ति समय पे गैराज में नहीं लेके जाता है उसकी गाड़ी जल्दी ख़राब होती है और एवरेज नहीं देती है। ठीक वैसे ही शरीर के अंदर कोशिकाएं जो होती है वो नई बनती है, नई चमड़ी बनती है, नई मांस मज्जा बनती है, नई हड्डियां बनती है, पर उन लोगों के लिए जो बैलेंस्ड डाइट लेते हैं। इसके लिए शरीर में बुढ़ापे में जवानी का आनंद लेने के लिए क्या करना है वो मैं आपको मूल 3 बातें बता रहा हूँ, जिसमें आप गाड़ी की तरह इस शरीर को कैसे उपयोग में लेते हैं। मूल यही है कि आप मैथुन कैसे करते हैं। दूसरा, न्यूट्रिशनल वैल्यू अर्थात संतुलित आहार, जिससे हमारे शरीर के अंदर सभी मांस मज्जा वीर्य
का उत्पादन होता है, और तीसरा है वो बिहेवियर, व्यवहार, आपके दिमाग के अंदर क्या विचार चलते हैं, आपके दिमाग के अंदर किस प्रकार के लोगों से आपने प्रेरणा ली है जिससे आप अपने आप को किस अनुरूप में ढाल रहे हैं। जिसमें दो बातें हैं मूल रूप से, सेल्फ सेंट्रेड, जो स्वयं के अंदर लीन है वह व्यक्ति इस प्रकार पीड़ित ज़्यादा पाया गया है, और एक वेलनेस, जो दूसरों के लिए अर्थात अपने जीवन साथी के लिए मैथुन करता है वह व्यक्ति बीमार नहीं हो सकता, वह आदमी नपुंसकता को प्राप्त नहीं होता है। जो व्यक्ति केवल खुद अकेला ही जो मैथुन में लिप्त है वही व्यक्ति असमैथुन के कारण से नपुंसकता को प्राप्त हो रहा है, जिसमें इलनेस ज़्यादा होता है, सेल्फ सेंट्रेड ज़्यादा होता है, और जो अपने जीवन साथी के प्रति समर्पित है वह व्यक्ति हमेशा वेलनेस में रहता है और दूसरों के लिए जीने की एक तमन्ना होती है उन लोगों के अंदर। इसके बारे में आपको कोशिश यही करना चाहिए कि आप अपनी पत्नी के लिए भी या आप अपने पति के लिए, एक दूसरे के लिए अगर आप जिएंगे तो आप परिवार से, स्वयं के परिवार से, पिता के परिवार में भी जीना सीख लेंगे, समाज में भी उठना बैठना सीख लेंगे, आप लोगों में भय नहीं रहेगा, डर नहीं रहेगा। अन्यथा आप अगर स्वयं पीड़ित अकेले ही मैथुन के, हस्त मैथुन के आदि है तो आपके अंदर हीन भावना पाई जाएगी, आप समाज में उठने बैठने लायक नहीं रहोगे, आपको शर्म आएगी और हो सकता है आपका डाइजेशन भी खराब हो जाएगा। इसलिए जब इंसान लोगों में बैठेगा तो क्या खाना है, क्या न्यूट्रिटिव वैल्यू लेनी है, उसके बारे में, संतुलन आहार के बारे में उसे ज्ञान होगा। पर जो किसी से मिलता जुलता नहीं है और खुद के लिए जीता है उस व्यक्ति को पता नहीं होता है कि उसे किस तरह की जीवन शैली जीना है, किस तरह की लाइफ स्टाइल जीना है। इस सबसे आपको ये कोशिश करनी चाहिए कि गलत आदतों को छोड़कर आज के दिन से ही, अभी से ही अपने जीवन में अपने जीवन साथी के लिए आपको जीना है, और 90 से 100 साल की उम्र तक स्वस्थ रहना है, और बुढ़ापे में आपको जवानी का भरपूर आनंद लेना है। आप अगर जवानी में बुढ़ापे के आनंद ले रहे हैं तो आप भविष्य में बहुत संकट का सामना करेंगे, वो वर्तमान में आपको पता नहीं पड़ेगा, वो 30 साल की बाद से ये सिलसिला शुरू होता है और बाद में पति पत्नी में अनबन झगड़े शुरू हुए। इसलिए आप अपने आप को बचाएं और स्वयं प्रेरणा की बजाय दूसरों से भी प्रेरित हों, अच्छे प्रेरित, नेगेटिव बातों को त्याग कर पॉजिटिव थिंकिंग में आप आइए। अगर किसी प्रकार की कोई सवाल है आप टिप्पणी कीजिए, टिप्पणी का जवाब देंगे। फ़ोन पर बातें संभव नहीं है, काफ़ी लोग फ़ोन करते हैं कि आप बात करो, समय तो होना चाहिए ना, कहाँ से हम लोग आपको बात करेंगे। जो लोग उपचार ले रहे हैं हमें उनकी तरफ ध्यान ज़्यादा देना है, उन लोगों पे हम ध्यान देंगे, बाकी वार्तालाप संभव नहीं है। मिलते हैं नए अपडेट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।